तो दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों हम जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। यस, सबको बहुत कुछ चाहिए पर बहुत कुछ हम पा नहीं सकते, बहुत कुछ हम खो देते हैं। इस पाने के चक्कर में हम कुछ ना कुछ ऐसे वैसे काम कर लेते हैं जिससे हमारी सोच बदल जाता है, इससे हमारी सोच के तरीके बदल जाते हैं एंड हमें जो रिजल्ट मिलता है रिजल्ट सही से नहीं मिलता। दोस्तों आज आपको एक मैं ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिसको इन्वेंट किया है डॉक्टर रिचर्ड ब्रांसन, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे एंड वो अमेरिका के द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है एंड उन्होंने एक कोर्स को इन्वेंशन किया जिसका नाम था एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसको यूज करके हम अपने ब्रेन की सोच को बहुत बदल सकते हैं। सपोज आप किसी चीज को खाने के लिए बहुत इच्छुक है, मतलब आप सपोज आइसक्रीम, आपको कुछ भी हो, बुखार हो, कुछ भी हो, बिना आइसक्रीम खा के आप सो नहीं सकते। ऐसे अगर आपका सोच है या फिर कोई आपका लगाव है, मतलब सपोज कोई शर्ट है, बहुत अच्छे शर्ट है जिसको आप हमेशा पहनना चाहते हैं, कोई आपका अच्छा दोस्त है जिसके साथ हम हमेशा आप उसके साथ रहना चाहते हैं, ऐसे ही कोई अगर आपका वीकनेस है किसी चीज की तरह, हम एक टेक्निक यूज करके 15 मिनट में आपको उससे पूरा फ्रीडम दे सकते हैं। यस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनएलपी। उस एनएलपी में एक ऐसा टेक्निक है कॉल्ड स्विस टेक्निक। रिचर्ड ब्रांसन एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस टेक्निक को बनाने के लिए, टेक्निक को ढूंढने के लिए बहुत रिसर्च किया। उन्होंने इन्होंने लाखों लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन किया एंड उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मिलके इस टेक्निक को इन्वेंशन किया। इसका नाम है स्विस टेक्निक। स्विस टेक्निक क्या है? सपोज देखिए मैं यहाँ पर हूँ, अगर मुझे एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा कोच बनना है तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि मैं मुझे बनना है उसका। अगर एक स्टूडेंट है जो मैथ्स में अच्छा मार्क लेके नहीं आ रहा है, डर होता है उसको, कह रही यार मैथ आया सब्जेक्ट तो डर जाता है सब। किसी किसी को स्टेज फियरिंग होता है, पब्लिक स्पीकिंग का फियरिंग होता है, किसी किसी लोगों को नए लोगों के साथ रिश्ते बनाने में, नए लोगों के साथ दोस्ती बनाने में दिक्कत होता है, किसी किसी लोगों को ट्रैवल में दिक्कत होता है, मतलब व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल वो सोचते हैं अरे यार कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ करूं। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं जो वो ओवरकम करना चाहते हैं, उसके ऊपर जाके जाना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते। क्यों? दे डोंट नो द टेक्निक। अगर देखिए मैं यहाँ हूँ, आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, फिर भी हम कनेक्टेड है क्योंकि आई नो द टेक्निक, आई यूज माई लैपटॉप, आई नो हाउ टू यूज जूम, सो दैट एंड यू पीपल ऑल्सो हैव जूम, सो वी ऑल गेट कनेक्टेड। सो यू नीड अ सिस्टम, वी नीड अ टेक्निक। नाउ इट इज स्मार्ट टेक्निक बिकॉज फोन हैज बिकम स्मार्ट, तो हमें भी स्मार्ट बनना है। तो स्विस टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसको यूज करके कोई भी इंसान जो पाना चाहता है वो बस 10-15 मिनट में अपने फीलिंग को, अपने नेगेटिविटी को, अपने सोच को बदल सकता है। एंड जब आपका सोच बदल जाता है सब कुछ दुनिया में आप पा सकते हैं, क्योंकि मैंने मैंने पहले वीडियो में बताया आप लोगों को हम कौन है। लोग बोलते हैं कि हम इंसान हैं, गलत है दोस्त, हम इंसान नहीं है, हम सब एक सुपर कॉन्शियस एनर्जी है, हम बहुत ही पावरफुल इंसान होते हैं। इंसान वर्ड तो लगाना अच्छा नहीं लगे, हम सब भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि भगवान मतलब क्या, सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर एनर्जी, एंड हम उसी सुपर एनर्जी का पार्ट है, तो हम भी भगवान है क्योंकि हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, हम एक इंसान को पैदा कर सकते हैं, हम एक बहुत बड़ा पैलेस बना सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी भगवान है। तो दोस्तों स्विस टेक्निक क्या कहता है? सपोज एक स्टूडेंट है, उसको मैथ्स में अच्छा नंबर रखना है, पर मैथ्स जब सब्जेक्ट आता है ना वो डरता है। देखो ये दोनों कंट्राडिक्टरी हो गया, अब मुझे बनना कुछ है पर मेरा थॉट्स फीलिंग्स उसके अपोजिट में जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना है? आई हैव टू फॉलो जस्ट 3 to 4 steps ओनली एंड इसके बाद यू विल सी ऑसम रिजल्ट। आपके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप उस चीज को पाने के लिए जो डर है ना वो डर आपका मिट जाएगा। यस, तो फर्स्ट स्टेप। अच्छा आप जब टीवी मोबाइल देखते हैं ना तब एक सेटिंग होता है, पिक्चर छोटा होता है फटाक से बड़ा बनता है, और पिक्चर बड़ा पिक्चर छोटा हो जाता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर आप सब यूज कर रहे हैं उसमें मिनिमाइज का ऑप्शन होता है। मिनिमाइज मतलब क्या होता है? इतना बड़ा स्क्रीन छोटा होके नीचे एक छोटे से बॉक्स में आकर रह जाता है ना, और मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है, उसको अब डबल क्लिक करेंगे तो छोटा पिक्चर बहुत बड़ा बन जाता है, राइट? बस इसको याद रखना है आपको। अब हम क्या करेंगे, दो पिक्चर को लेंगे। कौन से दो पिक्चर? सपोज मुझे मैथ्स पढ़ना है,
मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप अपनी लाइफ का कोई भी दो चीज लीजिए विच इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। सपोज आपको अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, सपोज किसी फैमिली मेंबर के साथ या पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, पर आपको अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, तो आप क्या करते हैं? आप अभी कौन सा फीलिंग आ रहा है आपके अंदर? अगर आप पापा के पास जाते हैं, अगर आप आपके वाइफ के पास जाते हैं या भाई के पास जाते हैं, आपके अंदर एक फीलिंग से नेगेटिविटी फीलिंग आता है, वो खुश नहीं है, दुखी होते हैं। एक फीलिंग ये है। और एक फीलिंग क्या है कि अगर आप भाई के पास जाते हैं, पापा के पास जाते हैं, वाइफ के पास जाते हैं, वाओ शी इज सो हैप्पी, वाओ यू हैव कम। अब क्या करना है हमें? बस अभी हमारे जो पिक्चर क्या है, मैथ्स में बच्चा डर रहा है, सपोज स्टूडेंट की बात लें तो डरने के पिक्चर बड़ा ले लो, बहुत बड़ा पिक्चर। दो पिक्चर को अपने सामने रखो, एक पिक्चर क्या है बहुत बड़ा पिक्चर, एक छोटा सा पिक्चर रखेंगे। जैसे कि मेरा इस कॉर्नर में, राइट साइड का कॉर्नर में इतना बड़ा पिक्चर रहेगा ये, एंड इस कॉर्नर में छोटा सा, इस कॉर्नर में छोटा सा पिक्चर रखेंगे। तो क्या होगा, बड़ा पिक्चर कौन सा लेंगे? डर वाला। अगर मैं मैथ्स की किताब ऐसे पकड़ता हूँ सपोज, तो मुझे डर लगता है ये पिक्चर को बहुत पूरा स्क्रीन में ले लेंगे। और अगर मैं मैथ्स, मुझे अच्छा आ जाता है, अगर मैं फॉर्मूले को अच्छे से यूज करके मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, कैसा फीलिंग होगा? वाओ सो एक्साइटेड, यस आई एम द विनर। अब ये पिक्चर को छोटा करके यहाँ साइड में रख लीजिए, समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा पिक्चर है स्क्रीन का, डरावला पिक्चर, डर लगता है, मुझे शंका होती है, आई फील यू नो वेरी इनसिक्योर, मैं थक गया तो कहीं छुपने का मन कर रहा है। जैसे कि आप ट्रेन में कभी ट्रैवल किए हो विदाउट टिकट, कैसा होता है? टीटी दिख गया तो आपको टॉयलेट ही याद आएगा, उस तरह का पिक्चर है। डरावला पिक्चर पूरा स्क्रीन का ले लीजिए, एंड छोटा वाला पिक्चर जो हैप्पी वाला पिक्चर उस साइड में रख लीजिए, ऐसे गेटिंग इमेजिन, बस उसको इमेजिन करना है आपको, राइट? बहुत बड़ा वाला पिक्चर, डरावला, मैथ सब्जेक्ट आया, या रिलेशनशिप का इशू आ गया, या बॉस के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है। सपोज आप किसी किसी ऑफिस में किसी किसी इंसान से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों एक डर सा लगता है कभी कभी। तो इसमें क्या होता है ना, आपके सामने सपोज वो बॉस आ गया, आप जितने भी खुश हो पूरा ऐसे बन जाते हैं आप लोग, तो ऐसे डर वाला पिक्चर बड़ा लेंगे। उसका ऑपोजिट कौन सा है? खुशी वाला, वाओ सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। अब बच्चों ने कल नीट एग्जाम दे दिया, तो कुछ बच्चों के साथ मेरा बातचीत हो रहा था, तो बोले सर दे तो दिया एग्जाम, होगा नहीं होगा क्या पता, बहुत टफ था। अरे बोला, अरे यार टफ है तो तेरे लिए, क्या सबके लिए टफ है? इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा, तो एक माइंडसेट बन जाता है हमारा। तो ऐसा डरावला पिक्चर बढ़ा लेंगे, ये छोटा सा पिक्चर साइड में स्क्वायर साइज का, कौन सा? खुशी वाला, उसका ऑपोजिट वाला। अगर रिलेशनशिप अच्छा हुआ तो कैसा लगेगा? वाओ। अगर आप किसी दोस्त के घर जाते हैं तो अरे यार आई लव यू कम, ऐसे आपको हक कर देता है, वो उस पिक्चर को ले लीजिए। या मैथ्स का स्टूडेंट होगा तो उसको पिक्चर ले लीजिए, कोई भी एक पिक्चर। सपोज आप किसी कस्टमर से डील कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप उस कस्टमर का ना, दो पिक्चर लीजिए, एक बड़ा पिक्चर। कौन सा बड़ा पिक्चर है? वो कस्टमर सोचता है कि आप कस्टमर के साथ जाते हैं, बात करते हैं, डर लगता है आपको। उसका ऑपोजिट पिक्चर क्या है? खुशी वाला पिक्चर, वाओ सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी विद द कस्टमर। तो छोटा वाला पिक्चर लीजिए खुशी का, बड़ा वाला पिक्चर लीजिए दुखों का। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, स्विस। अगर मैं आपको ऐसे करूंगा तो क्या होगा? स्विस करना है, स्विस मतलब उसको स्विच बदलना है। हमें बड़ा वाला पिक्चर को क्या करेंगे? बहुत छोटा बना देंगे, छोटे वाले पिक्चर को बड़ा बना देंगे। गेटिंग? दिस इज कॉल्ड स्विस टेक्निक। स्विस टेक्निक में बस दो चीज करना है हमें। डरा वाला पिक्चर जो हमारे जिंदगी, जितने भी हमारे मतलब डेली नीड से, डेली रिक्वायरमेंट से, जिस जिस जगह पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है, वहां पर हमें कहाँ कहाँ पर दुख होता है, कहाँ डर लगता है, वो पिक्चर को बढ़ा लेंगे। जहां खुशी होगा वो पिक्चर को छोटा ले लेंगे। अब मैं आपको बोलूंगा 1 2 3 स्विस। अब क्या करना है, इमेजिन करो आंख बंद करके, छोटा वाला पिक्चर को मैक्सिमाइज करना है, बहुत बड़ा बन जाएगा छोटा वाला पिक्चर। जो बड़ा वाला डरा वाला पिक्चर है वो छोटा बन जाएगा पूरा, जैसे कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में मिनिमाइज कर देंगे तो मिनिमाइज होकर रह जाते हैं। गेट इट? आर यू क्लियर? एनीवन वुड लाइक टू बी वॉलंटियर? कोई मुझे साथ वॉलंटियर होगा तो जिसको लेके मैं एक अभी लाइव कर सकता हूँ मैं इस टेक्निक को। कोई वॉलंटियर है? इफ नॉट इमेजिन यूर सेल्फ। आप अपने अपने आंख बंद कर लीजिए, मैं एक छोटा सा म्यूजिक आपको यहाँ पर देता हूँ, तो क्या होगा ना, लाइव होगा ये। जब भी आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई आपको कंफ्यूजन होता है ना, सपोज आपको कोई डिसीजन लेना है, किसी से मिलने जाना है, मतलब कोई एक ऐसी काम करना है ना जहाँ पर आपको दिमाग साथ नहीं दे रहा है, लगता है कि अरे यार होगा ना होगा, जब कंफ्यूजन हो गया ना, तो स्विस टेक्निक यूज कर लीजिए, यू विल फिल विद एनर्जी। तो लेट मी गिव सम म्यूजिक, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट।